শিবসেনার প্রতীক বিতর্কে এবার সুর চড়ালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেছেন, নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তে সত্য প্রতিফলন হয়েছে। যারা মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন সেই মিথ্যুকদের ছাড় দেওয়া উচিত হবে না। পাশাপাশি মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরেকে সরাসরি ইশারা করে শাহ বলেন, যারা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বড় বড় কথা বলতো তারা দেখে যেন সত্য কাদের সঙ্গে আছে এবং আমাদের কথা ভুলে যান, ওরা বালা সাহেবের আদর্শ পর্যন্ত জলাঞ্জলি দিয়েছে। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं। कल ही एक बहुत बड़ा विजय हमारी युति को मिला है। शिंदे साहब की शिवसेना को असली शिवसेना और धनुष बाण दोनों मिल गए। एक बार ताली बजाकर इनका स्वागत करिए। और जो लोग झूठ के आधार पर हुंकार भरते थे, उन लोगों को आज मालूम पड़ गया है सत्य किसके साथ है। आज मालूम पड़ गया है। गत चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था, चुनाव मिलकर लड़े, अपनी फोटो से बड़ी फोटो मोदी जी की लगाई, देवेंद्र जी को नेता मानकर चुनाव लड़े और फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए विरोधी विचारधारा के तलवे चाटने लगे। आज उनको सत्य क्या है वो परिचय मिल गया। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी, पुणे के कार्यकर्ता, आसपास के तीन जिलों के कार्यकर्ताओं ने भी आज एक संकल्प कर जाना है, आगामी लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र की सभी के सभी सीटें शिवसेना बीजेपी युति के खाते में आए।